आप मेरा क्वेश्चन से गुस्सा मत करिए, स्पोर्ट लीजिए सब। नहीं, मेरा पर्सनल क्वेश्चन नहीं पूछो तो बस। अरे गुस्सा क्यों भाई साहब, आप गुस्सा मत दे, नहीं बुलाते आप, स्पोर्ट लीजिए सब। नहीं नहीं बिल्कुल, आप बोलिए बोलिए साहब। आप जो है ना पिंक कलर के कार में बैठे हुए हैं, आप जो है ना पिंक कलर के कार में बैठे हुए हैं, वो कार में आप कंफर्ट है या नहीं? मैं अपनी गाड़ी खुद चलाता हूं, तो मेरी गाड़ी में जो बैठेगा उसका फायदा होगा। मेरे पास ड्राइवर नहीं है, मेरी गाड़ी मैं चलाता हूं, स्टीयरिंग मेरे हाथ में है, गियर और क्लच मेरे हाथ में है। तो आप सोच लो बाब, अब आपको गुस्सा तो नहीं आया ना? मैं अलोन ऑफ बीजेपी के साथ अलायंस के लिए देख रहे, वो कश्मीर का वो सियासत मुद्दा कैसा होना जा रहा है और उसके ऊपर आपका एनालिसिस क्या है? क्या है, लोन वोन, लोन विल बी अलोन। मैं फारूक अली साक्षी टीवी से सर। बल्लिया के इलेक्शंस आने वाले हैं सर, तो आने वाले इलेक्शंस में आप जो डिलिमिटेशंस होने वाले हैं लेकिन मुनकसिम होंगे, तो उसमें आप अपना एमआईएम का क्या स्टैंड रहेंगे? साबित में आप कांग्रेस के अलायंस में थे, तो इस मतलब आगे टीआरएस का साथ देंगे या फिर? मैंने आप साक्षी के हैं तो मैं बता रहा हूँ, जगनमोहन रेड्डी को कुछ भूल जा रहे हैं आप। तो इलेक्शन जब होगा जब बात करेंगे। अगर शाहजहां को मालूम होता कि सल्तनत मुगलिया खत्म हो जाएगी तो उन्हों इनको इमाम बना के, बादशाह बना के उन्हें इमाम बन जाते थे। अजीबो गरीब है ये, कौन है ये, कहाँ के? 2004 में वाजपेयी हिमायत कमेटी के वाइस चेयरमैन अहमद बुखारी साहब। आजाद चिश्ती चैनल 1 दिल्ली। आजाद जी ये बताइए कि ये जनता की अदालत है या आपकी अदालत है? उसके बाद जो है आपका इमेज इस हिंदुस्तान में एक जबरदस्त लीडर के रूप में आया है, क्या आप नोटिस करे हैं? आदर्श भी बहुत चाहने लगे, ऐसा इंटरव्यू शायद मेरी जिंदगी में पहली बार। आपकी तारीफ करना नहीं है चिश्ती साहब, चिश्ती साहब मैं 1995 से जाफरी साहब घर में कई मरतबा आपसे मुलाकात किया, आप मेरी बेइज्जती क्यों कर रहे हैं आप? नहीं 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 नहीं, वो देखिए, नहीं 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 वैसा कुछ नहीं। आप जो है मुस्लिम इमेज से बाहर आए हैं, जय भीम जय भीम जो है एक चीज अलग है, दलित के साथ जा रहे, ग्रेट अंबेडकरिस्ट है, आई कैन आल्सो कॉल यू एज अंबेडकरिस्ट। नो नो नो, क्या है कि आप टीवी प्रोग्राम में बुलाते, एनडीटीवी बुलाते, टाइम्स नाउ बुलाते, मित्रों प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया सभ्य लोग। इमरान, टाइम्स नाउ न्यूज चैनल से। सर सामना में आज आर्टिकल आया मिस्टर उद्धव ठाकरे का, वो कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम माइंड्स को पॉइजन कर रहे हैं, और सीएम फडणवीस से कहा है कि इस पार्टी को बैन किया जाए, और वो कह रहे हैं कि वो शिंदे साहब पहले उद्धव ठाकरे किसका माइंड पॉइजन कर रहे वो देख लेना, उन्होंने फडणवीस को तो जीत लो दिल उनका, बाद में मेरी बात करो। पहले उनको उनकी प्राइम मिनिस्टर से नहीं बन रही, उनकी फडणवीस से नहीं बन रही, अब ये बोले चले जा रहे कि पॉइजन कर रहे, क्या पॉइजन कर रहे भाई? देखिए पूरे महाराष्ट्र के इलेक्शन में मैं शोलापुर को गया, परभनी गया, थाने और 2-3 मुकामात पे जहां कहीं गया, मेरे को 149 की सीआरपी नोटिस दिए, इलेक्शन कमीशन मेरे पूरे स्पीचेस को रिकॉर्ड करे, आप लोग अभी हमारे पीछे पड़े हुए थे। नहीं नहीं आपसे मुराद सब लगे कि अब बोलते होंगे कुछ, नहीं कुछ बोले ही नहीं, अगर बोले तो दिखा दो आप, है ही नहीं कोई, क्या पॉइजन करे? उद्धव ठाकरे साहब भूल गए क्या श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट को? उद्धव ठाकरे साहब भूल गए कि कौन उनकी पार्टी से बोलते थे कि मुसलमान लड्डे है? और ये बोलना कि उर्दू जबान मुसलमानों की है और हरी टोपी देंगे, अरे भाई उर्दू जबान हिंदुस्तान की आजादी में बहुत बड़ा लदा किया, इनकलाब जिंदाबाद का नारा यही जबान का दिया हुआ था, और उर्दू के बड़े बड़े उर्दूदान मुसलमान से ज्यादा हिंदू भाई थे हमारे, तो ये इनका तरीका है। अरे भाई आप नाच ना जाने तो आंगन टेढ़ा,
आप पहले अपना झगड़ा तय कर लो बीजेपी से, आप पहले जा रहे अंदर नहीं जा रहे वो तय कर लो, दो दिन एक दिन चार दिन वो कर लो, हमारे पीछे कहीं को आ रहे आप। हम महाराष्ट्र में गए, महाराष्ट्र की आवाम ने हमारे को रिजेक्ट भी किया, कबूल भी किया, वोट भी डाले। ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है और इस तरह से लिखने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम अपना काम करते रहेंगे। हम यही चाहेंगे कि महाराष्ट्र में हमें कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल अदा करेंगे। हम हमारे सवालात का आंसर पूछेंगे गवर्नमेंट से, और सबसे पहली जिम्मेदारी महाराष्ट्र में चीफ मिनिस्टर की है कि वो इंश्योर करें कि कहीं पर भी महाराष्ट्र में एक भी कम्युनल इंसिडेंट और राइट नहीं होना, पीस होना महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र को डेवलप करना, हम भी चाहेंगे महाराष्ट्र डेवलप हो। हिंदुस्तान का सेकेंड बिगेस्ट स्टेट है, हमारा फाइनेंशियल कैपिटल है मुंबई, और ये प्रॉस्परस रहना हम तमाम इंडियंस की जिम्मेदारी है, और हम इसके लिए पूरी कोशिश करेंगे और काम करेंगे।